पहले आवाज में कैसे बात होती थी लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा जैसे देश में जो प्लेयर की बात हो रही है hmm. कैसा लगा अरे क्या कर रहे हो अच्छा अच्छा

मेरे चेहरे पे थोड़ा लिखा है अनुपम okay. <laughs> जी अनुपम जी क्या चाल है बहुत-बहुत मुबारक अच्छा किसी फिल्म के अंदर जब कोई किरदार निभाता है, कैरेक्टर के अंदर आने से पहले और उसके अंदर बाहर निकलने के लिए एक पूरी एक प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया के बारे में बताना चाहेंगे

या पर्ल हार्बर के अगेंस्ट लव स्टोरी बनी थी दिस इज उस पृष्ठभूमि में 2004 से लेकर 2014 के बीच में संजय बारू जो उनके मीडिया एडवाइजर थे उनकी और प्राइम मिनिस्टर की कहानी है ये बेसिकली एंड आई थिंक वॉट वी डिड वॉज वी एज आई सेट वी लिव इन ए सक्लूडेड प्लेस बहुत दूर लंड इंग्लैंड में वी बॉन्डेड आई थिंक मैं अक्षय के साथ बहुत दो दो फिल्में की हैं बट जो प्यार इस पूरी फिल्म में इनके प्रति मेरे मन में जागा है uh, वो अगर कोई और फिल्म करते तो शायद नहीं जागता द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग द म्यूचुअल लव द रिलेशनशिप दैट वी थ्री विल शेयर फॉर द रेस्ट ऑफ आर लाइफ वॉट एवर द फेट ऑफ आर करियर और आर लाइफ विल बी आई थिंक दैट विल द क्रेडिट फॉर दैट गोज टू दिस फिल्म इट वॉज अ डिफिकल्ट फिल्म एंड जैसे जैसे फिल्म की नज़दीक आती जाएगी पूरा प्रोसेस बताऊंगा मैंने तो रिकॉर्ड भी किया सारा कैसे तैयारी की है फर्स्ट स्टेप क्या थी पहले आवाज़ में कैसे बात होती थी लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा जैसे देश में जो प्लेयर की बात हो रही है वो हमको यहाँ करनी चाहिए या नहीं आई डोंट थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू आंसर दीज क्वेश्चन विच आर पोलिटिकली Being asked. I think what we should talk about is the brilliance and the hard work that we have gone into while making this film. Thank you very much. <laughs>